अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एह। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो जीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन थकते। अक्षरातीत धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से हरिद्वार के उस प्रसंग का वर्णन करवा रहे हैं। एक तरफ सभी धर्माचारी हैं और वे श्री जी से पूछते हैं कि प्राणनाथ जी, आपने तो हमसे प्रश्न पूछा था कि आप अपने पद्धति बताइए संप्रदाय की। आपने शिखा पूछा, सूत्र पूछा, साला पूछा, धाम पूछा, तीर्थ पूछा, सब कुछ पूछा। हम भी पूछते हैं, आप भी बताइए, लेकिन ऐसी मनमानी नहीं, श्रुति स्मृति के साक्षी देकर। श्रुति किसको कहते हैं? वेद को, क्योंकि समाधि अवस्था में वेद चार ऋषियों के अंदर अवतरित हुए। अंतरात्मा की आवाज़ से जिसको सुना गया, समाधि में जिसको सुना गया, ऋषियों ने उसको कहा, और कालांतर में उसको दूसरों को सुनाकर याद कराने की परंपरा रही। उसमें लेखन की परंपरा नहीं थी, पहले याद करा दिया जाता था सब कुछ, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। स्मृति किसको कहते हैं? धर्मशास्त्र को। आप वेद और धर्मशास्त्रों की साक्षी दे करके सारी बात कहिए। अब श्री जी पद्धति बताते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद हैं। हम सतगुरु किसको मानते हैं? ब्रह्मानंद को। साक्षी किसकी देते हैं? गुरुगीता की। उसमें एक श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सतगुरु का स्वरूप ब्रह्मानंदम, आनंदमय ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंदो ब्रह्म इति व्यजनाथ, शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में। जो परब्रह्म के आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम। आकाश के समान जो सभी द्वंद्वों से अतीत है, तत्त्वमसि, तू वह तू हो, इसका लक्ष्य कराने वाले। कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जो तत्वमस आदि लक्ष्यम एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम। ऐसे ऐसे सतगुरु के लक्षण बताए गए कि वो किस पर घटित होता है? केवल परमात्मा पर। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अन्वेष्यतात्। वह परमात्मा पूर्व काल में उत्पन्न हुए ऋषियों का भी गुरु था। सबको ज्ञान कहाँ से मिलता है? परमात्मा से। इसलिए वाणी कहती है, सतगुरु मेरा श्याम जी। सतगुरु कौन? राज जी। हम परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को, यानी जो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, उस परमात्मा को ही सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद हैं, परब्रह्म के आनंदमय स्वरूप, वही हमारे सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र किसको कहते हैं? अक्षर को। अक्षर को हम सूत्र मानते हैं। संसार के लोग यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। यज्ञोपवीत जो है, 3 धागे का बना होता है, 3 गांठें लगाई जाती हैं, 96 अंगुल का होता है। ये किस बात का प्रतीक है? कि हमने 32 विद्याओं और 64 कलाओं का अध्ययन किया है। 32 और 64 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाता है। 3 धागे हैं। 3 धागे क्या हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना का प्रतीक है। तीन गांठें हैं, मातृण, पितृण और ऋषि ऋण के प्रतीक हैं कि हमें ब्रह्मचर्य धारण करके 64 कलाओं और 32 विद्याओं का अध्ययन करना है। सारे जीवन में ज्ञान, कर्म, उपासना के मार्ग का अनुसरण करते हुए मातृऋण को पूरा करना है, पितृऋण को पूरा करना है और ऋषि ऋण को पूरा करना है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण करना है, किया है, तो हमें उनकी सेवा करनी है। और ऋषि ऋण कैसे पूरा होता है? हमने जैसे किसी आचार्य से हमने ज्ञान लिया है, हम भी अपना ज्ञान किसी को बांटें, तो ये ऋषि ऋण पूरा होता है। इसको प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम किसको सूत्र मानते हैं? हम धागे को सूत्र नहीं मानते। सूत्र है अक्षर रूप। अथर्व वेद में एक मंत्र आता है, यो विद्यात सूत्रम यस्मिन् उता प्रजा हिमा सूत्रस्य सूत्रम यो विद्यात स विद्यात ब्राह्मण महत्। एक सूत्र प्रकृति का सूत्र है जिसमें सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं और उसका सूत्र है अक्षर। तो मंत्र में कहा गया है जो सूत्र के सूत्र को जान लेता है वह अविनाशी परमात्मा को जान लेता है। सूत्र क्या है? एक प्रकृति का सूत्र और उसका सूत्र है अक्षर, यानी हम अक्षर ब्रह्म को सूत्र मानते हैं। आप देखिए इस दुनिया की कोई बात नहीं हो रही है। सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु किसको? परब्रह्म के जो आनंदमय स्वरूप हैं। परब्रह्म के आनंद स्वरूप कौन है? सामाजिक। उन्हीं का दिया हुआ तारतम ज्ञान है। उन्हीं के हृदय से परम धाम का सारा रस आता है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम और आनंद का बहता हुआ रस है, उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी, जिनको हम निजानंद कहते हैं। निजानंद का अर्थ क्या होता है? परब्रह्म के निज आनंद के जो स्वरूप हैं वो है निजानंद। उनके द्वारा प्रवर्तित तारतम ज्ञान का हम अनुसरण करते हैं और वही हमारे सतगुरु हैं। सूत्र कौन है? अक्षर ब्रह्म। शिखा सदा इनसे परे। और शिखा किसको मानते हैं? आप देखते हैं आमतौर पर शिखा बालों में यहाँ एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है, उसको शिखा कहते हैं। आजकल की नई पीढ़ी तो शिखा रखना अपना अपमान समझती है, लेकिन इसी शिखा सूत्र के लिए लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, लेकिन शिखा सूत्र को नहीं कटवाया था। यहाँ ये क्यों रखी जाती है? यहाँ पर ही 10वां द्वार है और प्रत्येक में लिया गया कि इसी जहाँ शिखा शुरू होती है हम वहाँ मन को एकाग्र करेंगे। चेतन चित्त जो अनुप, वहाँ एकाग्र करेंगे तो हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा। इसलिए वहाँ शिखा यानी बालों का गुच्छा छोड़ने की परंपरा डालेगी। शिखा और सूत्र ये ज्ञान और योग के प्रतीक हुआ है। जैसे प्रतिज्ञा सूत्र है, हमने ये जो पवित्र धारण किया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम विद्या अध्ययन करने वाले हैं। जब से ये परंपरा हट गई, आजकल तो केवल दिखावे के लिए ये जो पवित्र धारण किया जाता है। पहले पति पत्नी दोनों ये जो पवित्र धारण करते थे, स्त्री पुरुष सबका ये जो पवित्र संस्कार होता था, सब गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जब मुस्लिम शासन हुआ तो उन्होंने ये जो पवित्र वालों को जजिया कर लगा दिया। सबने सोचा कि हम पत्नी का ये जो पवित्र हटा देते हैं, स्वयं धारण कर लेते हैं, तो आधा टैक्स बच जाएगा, क्योंकि जो कर नहीं दे पाता था मुग़ल उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में स्वीकार कर लेते थे। टैक्स बचाने के लिए महिलाओं का ये जो पवित्र उतार कर पुरुषों ने अपने ऊपर पहनना शुरू कर दिया। इसलिए 3 धागे की जगह वो 6 धागे का ये जो पवित्र पहनते हैं। 6 धागे का कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। ये मध्यकाल की परंपरा है और आपको शायद विदित न हो कि मांग में सिंदूर डालने की जो परंपरा है वो भी मध्यकाल की ही देन है, क्योंकि मुस्लिम लोग एक एक मुसलमान, जैसे अकबर के हरम में 500 से अधिक महिलाएं स्त्रियां थीं। मुसलमान जब भी देखते थे कि अमुक स्त्री लड़की सुंदर है तो जबरन रख लेते थे। तो सिंदूर की परंपरा डाल दी गई कि पता चल जाए कि इसकी शादी हो गई है, फिर उस पर हाथ नहीं डालते थे। समय काल के अनुसार ऐसी परंपराएँ डाली गई जो बाद में आज विकृत का रूप ले चुकी है। हाँ, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने पुनः बहनों का ये जो कोई संस्कार कराना शुरू किया। आजकल बालिकाओं के जो भी गुरुकुल होते हैं उनमें भी पुरुषों की तरह ही बालिकाओं को भी ये जो कोई संस्कार कराया जाता है, उनको वेद शास्त्र पढ़ाया जाता है। जब ये शिक्षा दीक्षा बंद हो गई तभी तो इन पौराणिकों ने बना दिया। क्या बना दिया? कि स्त्री शूद्र न अधीयताम, स्त्री और शूद्र अध्ययन न करें। कुछ वर्षों पहले पूर्व के शंकराचार्य ने, जिनका नाम था निरंजन देव तीर्थ, हमेशा विवादास्पद रहे। उन्होंने कहा कि स्त्री को पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। तो उनसे पूछा जाए तो आप भी तो किसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, जब आपकी माता जी नहीं पढ़ेंगी तो वो ब्राह्मणी कैसे हो गई? तो आप भी तो ब्राह्मण पुत्र नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के सिवा कोई पढ़े ही नहीं, तो क्षत्रिय भी ना पढ़े, वैश्य भी ना पढ़े, तो सारा देश तो अनपढ़ों का हो जाएगा। केवल ब्राह्मण ही पढ़े, किसी को पढ़ाए नहीं तो प्रशासन कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा? धर्म के अंदर ऐसी विकृतियों वाले जब अग्रगण्य हो जाते हैं तो समस्या खड़ी होती है। पूर्व के शंकराचार्य, जिनको एक स्तंभ कहा जाता है पौराणिक हिंदू समाज का, जब वही ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे तो इस देश का विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले वहीं के एक शंकराचार्य की गद्दी पर जो बैठे हैं, उनका वक्तव्य मैंने एक पत्रिका में देखा, मैं सिर पकड़ कर बैठ गया। वो क्या बोलते हैं कि वेद तो मनुष्यों के लिए है ही नहीं, ये तो केवल देवताओं के लिए। उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते, दर्शन भी नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि केवल हिंदुओं को गीता पढ़नी चाहिए। मैं सन्न रह गया कि जिस देश में ऐसे सन्यासी होंगे उस देश को गुलामी से कौन बचा सकता है? 700 श्लोकों की गीता पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, वेद पढ़ने से मना कर रहे हैं कि मनुष्य पढ़ ही नहीं सकता। ऐसे पौराणिक महात्मा इस देश को, भारतीय संस्कृति को रसातल में ले जाते हैं, जो सबको शिक्षा से वंचित करते हैं। पहले कहा कि शूद्र न पढ़े, उसके बाद कहा कि स्त्री न पढ़े, फिर कहा गया कि वैश्य न पढ़े, फिर क्षत्रिय भी न पढ़े, और कह देते कि अब कोई भी ब्राह्मण भी गीता के अतिरिक्त और कुछ न पढ़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं बाइबल की शिक्षा देने के लिए, कुरान की शिक्षा देने के लिए। पौराणिक हिंदुओं ने न पढ़ा, न किसी को पढ़ने दिया, बस सबको लगा दिया पत्थर पूजा में, अपनी मूर्ति पूजा में लगा दिया, गादियों की पूजा में लगा दिया, और यहीं से हिंदू धर्म का पतन होता शुरू हो गया। 1000 वर्षों तक ये देश गुलाम बना रहा, लेकिन इनको सावचेत कौन करेगा? इसलिए ज्ञान का प्रकाश ही सबको जागरूक करने वाला है। आप देखेंगे हर द्वार का शास्त्रार्थ हो रहा है। हिंदू समाज के मूर्धन्य विद्वान वहाँ एकत्रित हैं और उनका ज्ञान कितना उथला है। एक एक दर्शन के आचार्य वहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। कितनी भ्रांतियाँ उनमें ग्रसित हैं। जीवन भर पढ़े, 6 दर्शनों में से कोई एक वेदांत का विद्वान है, कोई सांख्य का विद्वान है, कोई योग दर्शन का विद्वान है। जब तक कोई एक वेद नहीं पढ़ ले, अंग उपांग सहित, शिक्षा अष्टाध्यायी महाभाष्य काशिका न पढ़ ले, दर्शन न पढ़े, उपनिषद न पढ़े, तब तक तो उसको विद्वान माना ही नहीं जाता। लेकिन ये श्रीमान जी कहते हैं कि केवल गीता पढ़नी चाहिए और ग्रंथों को पढ़ना मनुष्य के बस की नहीं है। तो पैदा ये ग्रंथ बनाए किसने? आखिर 6 दर्शन ऋषियों ने बनाए। ऋषि भी तो मनुष्य ही होते हैं। हाँ, मनुष्यों से थोड़ा ऊंची स्थिति होती है, क्योंकि उनमें त्याग और तप होता है। सेवन है पुरुषोत्तम। हम सेवन किसका करते हैं? हाँ, सिखा सदा तिन से परे चेतन चित्त जो अनूप। हम सिखा किसको मानते हैं? जो चेतन हो, चिदघन स्वरूप हो। चिदघन स्वरूप क्या है? परमात्मा है सत-चित-आनंद। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा हाथ हो गया दाहिना सत, ये हो गया चित्त, और ये हो गया आनंद। जो मेरे अंदर चेतना है, इसी से सत है, इसी से ये है। जैसे मेरे शरीर में जब तक जीव है तब तक दायां हाथ भी है, तब तक बायां हाथ भी है। चिदघन स्वरूप कौन है? राज्य। चिदघन स्वरूप से ही सत अंग अक्षर ब्रह्म है, और चिदघन स्वरूप से ही आनंद अंग श्यामा जी है। इसका तात्पर्य क्या? राज्य से ही अक्षर ब्रह्म है और राज्य से ही श्यामा जी है। जो चिदघन स्वरूप है, सच्चिदानंद परब्रह्म का जो चिदघन स्वरूप है, उसकी शोभा को ही हम शिखा मानते हैं। यानी हम ध्यान कहाँ करते हैं? परब्रह्म की शोभा में। नख से सिख तक जो राज्य की शोभा है, उसमें हम ध्यान करते हैं, शिखा के स्थान में, 10वें द्वार में नहीं। कहने का भाव ये है, शिखा क्यों रखी जाती है? ये 10वें द्वार का प्रतीक है कि जो 10वें द्वार में ध्यान करेगा मोक्ष को प्राप्त करेगा। सेवन है पुरुषोत्तम। किसका सेवन कर सकते हैं? करते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में जो उत्तम हो। तीन पुरुष बताए गए हैं गीता में। दो इमौ पुरुषों लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर सर्वाणि भूतानि, सभी भूत क्षर हैं। अब भूत के दो अर्थ होते हैं, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जो कुटस्थ है वह अक्षर कहलाता है और जो संपूर्ण प्राणी वर्ग है वह क्षर कहलाता है। आप देखिए श्लोक एक ही है, मान्यताएं इसकी अलग अलग हो जाती हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण ये लोक त्रयम अविश्य विभर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष। आप देखिए हिंदू समाज कहेगा हम कृष्ण को मानते हैं, गीता का सम्मान करते हैं, लेकिन कृष्ण की न बात को मानेंगे न गीता की बात को मानेंगे। यही हिंदू समाज का मूल मंत्र है। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तीन पुरुष हैं, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष। परमात्मा किसको कहलाने की शोभा है? केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत को। यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। जो क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, वेद और लोक में वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहाँ चौपाई में कहा गया है सेवन है पुरुषोत्तम। हम किसकी उपासना करते हैं? पुरुषोत्तम अक्षरातीत की। अब गीता प्रेस की टीका में क्या अर्थ कर दिया जाएगा? ये शरीर क्या हो गया? क्षर। अक्षर कौन हो गया? जीव। और अक्षरातीत कौन हो गया? विष्णु भगवान और नारायण। घुमा फिराकर विष्णु भगवान नारायण से आगे ये सोच भी नहीं सकते। जबकि तारतम वाणी के अनुसार नारायण क्या है? जिसको ये अक्षरातीत कह रहे हैं वो तो क्षर है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? नारायण के संकल्प से। नारायण का प्रकटन कहाँ से होता है? मोह सागर में जिसका निवास है। मोह सागर किसको कहते हैं? माया। मोह सागर माया का मंडल, उसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है, स्वप्न में आता है, संकल्पिक मन। तो क्या कहलाता है? नारायण। आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नरसुनवः ता यदस्य एनमित नारायण इत स्मृता। आपा कहते हैं मोह तत्व को, जिसको कहते हैं नार, और उसमें आयन यानी निवास जिसका हो। नार में जिसका निवास हो वो क्या कहलाएगा? नारायण। उसका असल रूप कोई और है, वो कौन है? अक्षर। अक्षर का रूप नारायण है सपने में। जैसे मैंने कल भी आपको दृष्टांत दिया था, आप सरसावा में सो गए, सोते समय आप मुंबई चले गए, तो जैसा आपका यहाँ पर सरसावा में रूप है वैसा ही रूप एक मुंबई में चला जाएगा। आपको जब यहाँ कोई उठा देगा तो बम्बई वाला रूप समाप्त हो जाएगा। बस ये कहानी है। जो बम्बई वाला रूप क्या है? वो हो गया नारायण। जैसे आपने बम्बई में जाकर किसी दुकान से कोई सामान खरीदा, कोई अपराधी आ गया और आपसे उसकी मारपीट हो गई, उसने आपको चांटा मार दिया। चांटे के कारण आपकी नींद यहाँ खुल जाती है, तो आप क्या देखते हैं कि मैं तो सरसवा में अपने घर पर सो रहा हूँ, मैं तो सपने में बम्बई गया था, वास्तव में मैं मुंबई नहीं था। उसी तरह से परमात्मा जो है अक्षर ब्रह्म माया से सर्वथा परे है, निर्गुण है। जब उसका मन इस मोह के मंडल में प्रवेश करता है तो वो नारायण कहलाता है। और वो क्या है? क्षर का स्वरूप है, क्योंकि वो संकल्पिक मन है, स्वप्निक मन है, और उसके स्वप्न में सारा जगत सूरज चांद सितारे बने हैं। तुलसीदास जी ने यही का वर्णन किया है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जास अंशते नाना। जिसके अंश मात्र से नाना अनेकों ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। एक नारायण के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। और नारायण से परे क्या है? अक्षर है। अक्षर से परे कौन है? अक्षरातीत है। दुनिया नारायण को ही अक्षरातीत परमात्मा मान लेती है, और कुछ लोग तो विष्णु भगवान को परमात्मा मान लेते हैं। और भी चले जाइए तो विष्णु के 24 अवतारों को ही परमात्मा मान लेते हैं। कोई राम का भक्त हो गया, कोई वराह का भक्त हो गया, कोई कच्छप का भक्त हो गया। आप ऋषिकेश चले जाइए, सभी अवतारों की मूर्तियाँ बनी हैं, कच्छप की, वराह की और किसकी और किसकी। कोई ये तो विचार नहीं करता कि जो परमात्मा है वो वास्तव में गीता में किसको कहा गया है। क्या गीता में विष्णु भगवान को परमात्मा कहा गया है? विष्णु के अवतारों को परमात्मा कहा गया है? क्या नारायण को परमात्मा कहा गया? उत्तर मिलेगा नहीं। आप किसी भी हिंदू को कहिए, अरे भाई किसकी भक्ति कर रहे हो? हाँ, विष्णु का अर्थ जो व्यापक सत्ता वाला है वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि नारायण ही परमात्मा है, बड़े बड़े विद्वान सन्यासियों के पास जाइए तो भी नारायण को ही परमात्मा मानेंगे, जबकि गीता क्या कहती है? वो नारायण क्षर पुरुष है। क्षर सर्वाणी भूतानि, सभी प्राणी। भूत किसको कहते हैं? प्राणियों को। महाप्रलय में इनके सभी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर लय को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको क्षर कहते हैं। जो कुटस्थ है वो अक्षर कहलाता है। कुटस्थ किसको कहते हैं? आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी की धूल सूर्य में नहीं पहुंच सकती, पृथ्वी का अंधकार सूर्य में नहीं पहुंच सकता, कीचड़ सूर्य में नहीं पहुंच सकता, वो दृष्टा होकर के देख रहा है। बस इतनी सी बात है। जो जन्म मरण से उत्पत्ति लय से परे है उसको कहते हैं कुटस्थ। जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। वेदांत में लिखा है जन्म आदि यस्यता, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार हो उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। उपनिषद में क्या लिखा है? अक्षरात संभवत यह विश्वम, अक्षर से सारी सृष्टि पैदा होती है। कहीं जीव को तो अक्षर नहीं लिखा, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी इसको उसी रूप में मानते हैं। शरीर को क्षर मान लेंगे, जीव को अक्षर मान लेंगे, अक्षरात किसको मान लेंगे? नारायण को। तारतम वाणी के अनुसार नारायण ही क्षर है, अक्षर बेहद से परे है, और परमात्मा अक्षरातीत है। आप किसी हिंदू से कहिए कि भाई विष्णु की भक्ति न कीजिए, राम की भक्ति न कीजिए, नारायण की न कीजिए, केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत की कीजिए, तो क्या कहेगा? ये कहाँ से नया ज्ञान आप लाए हो? श्री प्राणनाथ जी सबको वही समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारी गीता में, जिस गीता को तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, उसी में लिखा है कि सेवन है पुरुषोत्तम, हम उत्तम पुरुष अक्षरातीत की केवल भक्ति करते हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन तत्प्रसादात् त्वं परां शांतिम अवाप्स्यसि। तू उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की शरण में जा और उसकी कृपा से तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। लेकिन सारा संसार, विशेषकर हिंदू समाज, तो अपने ही धर्म ग्रंथों की बात मानने को तैयार नहीं है कि हम किसको परमात्मा माने। आप जहाँ देखिए कहीं शालिग्राम को परमात्मा माना जा रहा है, कोई शिवलिंग का पिंड बना है उसको फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, कोई पानी चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। अरे भाई ये तो देखो, गीता के किसी श्लोक में तो देखो क्या शिवलिंग की पूजा लिखी है, वेदांत के किसी सूत्र में लिखी है, वेद में कहीं लिखा है। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो कलयुग में किसी ने ग्रंथ में लिख दिया, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो रामेश्वरम है वहाँ लाकर गंगा का जो जल चढ़ाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाएंगे, तो तुलसीदास जी कोई वेद वेत्ता ऋषि थोड़े हैं, वो संत हैं, उनकी भावना थी, लिख दिया। वाल्मीकि में तो, रामायण में तो नहीं लिखा है, ज्ञानपीठ में वाल्मीकि रामायण है, आप निकाल कर देखिए, कहीं नहीं लिखा है। विमान से आते समय राम सीता को बताते हुए कह रहे हैं कि देखो सीता, अत्र पूर्व महादेवा प्रसादम करों विभु सित बंद इत व्याख्यातम। मैं और लक्ष्मण, यहाँ देवताओं का भी जो देवता जो परमात्मा है उसका हम ध्यान करते थे। ये जो मंदिर बना है रामेश्वरम का मंदिर, ये राम नाम के दूसरे राजा ने बनवाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई मंदिर नहीं बनाया है। उस युग में मंदिर नहीं बनते थे, वो तो वेद का युग था। जगह जगह गुरुकुल हुआ करते थे, घर घर में हवन कुंड होते थे, लोग वेद मंत्रों से संध्या करते थे, हवन करते थे। ये सब पत्थर पूजा उस समय नहीं होती थी। ये जड़ पूजा शुरू हुई है केवल महाभारत काल के पश्चात, जब वेदों का पठन पाठन समाप्त हो गया, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ बनाने लगे बुद्ध और महावीर की, तो इनकी देखा देखी पौराणिक हिंदुओं ने भी अपने अवतार बना लिए। उन्होंने 24 तीर्थंकर बनाए, तो इन्होंने विष्णु के 24 अवतार बना लिए। जैन मत की 24 मूर्तियाँ बनाई गई, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक। इन्होंने सोचा कि हम क्यों कम रहे हैं, इन्होंने अपने 24 अवतार बनाकर कच्छप बराह से लेकर और क्या क्या अवतार गढ़ लिए और मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। वेद का पठन पाठन सब समाप्त। जब ज्ञान रहा नहीं तो जो मन में आए वही कर दिया। यहीं से भटकाव शुरू होता है। मनुष्य को पथ प्रदर्शक कौन दिखाता है? ज्ञान। गोत्र चिदानंद जान। और गोत्र किसको कहते हैं? मैंने पहले भी कहा है गोत्र का तात्पर्य क्या है। जैसे आप से पूछा जाए कि आपका गोत्र क्या है तो आप किसी ऋषि मुनि का नाम बताएंगे। हमारा गर्ग गोत्र है, गौतम है, सांडिल्य है, श्रृंगी है, वाल्मीकि है। माने कोई ना कोई आपका पूर्वज ऋषि मुनि ही होगा। इसका तात्पर्य क्या है? हम उनके वंशज हैं। अब पद्धति में क्या कहा जा रहा है? गोत्र चिदानंद जान। चिदघन स्वरूप कौन है? राज्य। आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा जी। हम कौन हैं? राज्य के तन हैं, श्यामा जी के अंग हैं। हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं। यानी गोत्र चिदानंद जान, हम अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म युगल स्वरूप के अंग रूप हैं, उनके तन हैं। हमारा गोत्र चिदानंद है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट कौन है? परम किशोरी। यानी परब्रह्म की हिलादनी शक्ति को हम अपना इष्ट मानते हैं। जैसे सूर्य में दाहकता है, चंद्रमा में शीतलता है, फूल में सुगंधी है, उसी तरह से अक्षरातीत के हृदय में आनंद का जो बहता हुआ सागर है उसको हम श्यामा जी कहते हैं। और उनका स्वरूप अति सुंदर किशोर स्वरूप है, उसको हम अपना इष्ट मानते हैं। संसार की कोई भी इस संसार की कोई चीज़ नहीं बताई जा रही है, सब परम धाम की। सूत्र भी परम धाम का, अक्षरधाम का, शिखा भी राज्य की शोभा, सतगुरु भी राज्य का आनंद स्वरूप। उपासना किसकी? उत्तम पुरुष अक्षरातीत की। आपने पहले क्या सुना? कोई अपना धाम बता रहा है बैकुंठ, कोई रुक्मणी, कोई लक्ष्मी, कोई कामाख्या, कोई किसी देवी को बता रहा है, कोई किसी देवी का बता रहा है। सब महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। पतिव्रत साधन मान। और हमारा साधन क्या है? पतिव्रता साधन। पुरुषास्थ परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अन्यया। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। जब आप यहाँ की अर्जी सुनते हुए जिसमें गाया जाता है, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीव जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जी। तो जो गांव के नए सुंदर साथ जो नए लोग आते हैं उनको बहुत हंसी आती होगी कि ये प्रीतम किसको कह रहे हैं। यहाँ सब लोग बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए तो अपने साथ क्या लक्ष्मण को ले गए? हाँ ठीक है, चारों भाइयों ने एक दिन तन छोड़ा। हनुमान जी को तो नहीं ले गए। राम के साथ सिंहासन पर हनुमान नहीं बैठ सकते हैं, सीता ही बैठेगी। श्री कृष्ण के साथ राधा ही बैठेगी, श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी ही बैठेगी, द्वारिकाधीश के साथ। इसी तरह से आत्मा क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म की हिलादनी शक्ति है। उसके हृदय की जो आनंद स्वरूप है उसको कहते हैं आत्मा। सागर से उसकी लहरों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से आत्मा को परमात्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कौन सा साधन है? पतिव्रता साधन। हम भाव में जरूर गा देते हैं, तमेव माता जपता तमेव, तमेव बंधु जसखा तमेव। आप ही पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, सब कुछ है। लेकिन प्रेम का समर्पण जो अंगना भाव में माधुरी भावना में होता है वह किसी अन्य भाव में नहीं होता। कबीर जी ने क्या कहा है? मैं तो अपने पिया की बहुरिया। तो इसका मतलब ये दुनिया की स्त्री मत समझ लीजिए, ये तो भाव की अभिव्यक्ति है कि जैसे एक पतिव्रता अपने पति से अनन्य प्रेम करती है, वो देवर से भी लगाव रखेगी, जेट्स का भी सम्मान करेगी, सास ससुर का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों का भी सम्मान करेगी, लेकिन प्रेम केवल अपने प्रीतम से करेगी। उसी तरह से इस संसार में हम जो भी महापुरुष हैं सबका सम्मान करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, योगीराज शिव का, हनुमान का, सभी सम्माननीय हैं, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति किसकी? एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न अहम वेदाई न तपसा न दानेन न चेज्या भक्त्या तु अनन्या सक्यम अहम विदो अर्जुन। अनन्य परा प्रेम लक्षण बद्ध जिसके द्वारा उस परमात्मा को पाया जा सकता है। पातिव्रत्यम अनन्यत्वम अनन्य पतिव्रता साधन जिसके द्वारा उस सच्चिदानंद परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए कौन सा साधन है? दास भक्ति नहीं। दास को तो डर लगेगा, दास अपने स्वामी के सिंहासन पर थोड़े बैठ सकता है। और अर्धांगिनी तो उसका आधा अंग होती है, राजा के सिंहासन पर तो उसकी महारानी को अधिकार होता है, वो बेधड़क बैठ सकती है। इसलिए हमारी आत्मा क्या है? परब्रह्म की हिलादनी शक्ति है और उसी भाव से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है कि पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया। अनन्यया का तात्पर्य है उससे अधिक कोई और प्रिय न हो। आप देखेंगे मुसलमान हत्या करेंगे, मांस खाएंगे, सारे पाप कर्म करेंगे, लेकिन अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानेंगे। हिंदू आज हनुमान जी से काम लेना हुआ तो हनुमान जी आप ही हमारे सब कुछ हो। कल को देवी के पास गया क्योंकि देवी जी, देवी माता आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आप ही तो हमारे सब कुछ हो। परसों ये जो जिनका घोड़े पर बना चित्र आता है, डराया जाता है कि आप इनकी भक्ति नहीं करोगे तो सांप बन कर काट लेंगे, रावण की क्या कहलाते हैं, उनके भी जाकर चरणों में शीश झुका देंगे। किसी ने कह दिया कि राहु केतु और शनि नाराज हो गए हैं तो कह देंगे कि ये तीनों देवता आप खुश हो जाओ, हम आपसे बड़ा किसी को नहीं मानते। कोई ईमान ही नहीं है हिंदुओं का कि किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि बेचारों को कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू तो भोला भाला है, जैसा उसके बड़े बता देंगे वैसा ही तो जानेगा। और हिंदू के पास इतना समय नहीं है क्योंकि आज का हिंदू पैसे का लोभी है। उसके पास समय नहीं है कि हम अपने वेद खोलें, उपनिषद खोलें, गीता खोलें, देखें तो इसमें लिखा क्या है। एक मुस्लिम का लड़का रिक्शा चलाएगा, एक मुसलमान रिक्शा चलाकर अपने घर का खर्चा चलाएगा, लेकिन अपने बेटे को चाहेगा कि कुरान याद करवा दूँ। एक हिंदू करोड़पति रहेगा लेकिन चाहेगा कि मेरा बेटा अरबपति तो बन जाए, लेकिन वेद शास्त्र छुए नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। इसलिए हिंदू समाज जर्जर होता रहा। किसी ने अपने ग्रंथों को पढ़ना नहीं सीखा कि हम ग्रंथों को पढ़ लें कौन परमात्मा है, कैसा परमात्मा है और हमारे वेद शास्त्र में लिखा क्या है। श्री जुगल किशोर को जाप है और हम जप किसका करते हैं? युगल किशोर को। अद्वैत की बात आती है, परमात्मा क्या है? सौलीला अद्वैत। तो प्रश्न यहाँ यह होता है कि यहाँ दो की बात क्यों हो जा रही है कि युगल स्वरूप को आप क्यों मानते हैं। आप देखेंगे जहाँ सीता है वहाँ राम है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। उसी तरह से महेश्वर तंत्र में कहा है कि महेश्वर तंत्र में भगवान शिव बताते हैं उमा से कहते हुए कि द्वितीयम भागम माम विद्धि रसो अहम मूर्तिमान साक्षात कलावती। अक्षरातीत कह रहे हैं कलावती एक परम धाम की आत्मा से। रसो अहम मूर्तिमान घनीभूता साक्षात कलावती तस्य आद्यम भाग मामविद द्वितीयम स्वामिनी प्रियम। मैं प्रेम का आनंद का घनीभूत रूप हूँ और उसका पहला भाग मैं अक्षरातीत हूँ और मेरा दूसरा भाग स्वामिनी यानी श्यामा जी। जैसे चंद्रमा से शीतलता निकाल लीजिए, चांदनी निकाल दीजिए, क्या आप उसको चंद्रमा कह सकते हैं? सूर्य से उसकी तेजस्विता निकाल दीजिए, सूर्य में क्या रहेगा? उसी तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म जो प्रेम का सागर है, उस प्रेम के सागर में से आनंद को निकाल लीजिए तो सच्चिदानंद परमात्मा की लीला कैसे हो सकती है? यही कारण है कि परमात्मा एक है। वेद में कहा है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपुच्यते न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो अपुच्यते न अष्टमो न नवमो न दसमो अपुच्यते तम इदम निकतम स एक एक वृदेव सर्मे अस्मिन् देवाः एक वृतो भवन्ति। परमात्मा एक है, दूसरा नहीं। लेकिन एक तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन लीला रूप में वो दो के रूप में भाषित होता है। आप देखें मैं कैसे इसको समझाता हूँ। ये हाथ है, ये पंजा है, ये अंगुली है स्त्रीलिंग, ये अंगुली मोटा है नहीं कह सकते हैं, अंगुली मोटी है कहेंगे, ये छोटी अंगुली है, ये बड़ी अंगुली है, लेकिन ये पूरा हाथ है, ये पुल्लिंग है और ये अंगुली स्त्रीलिंग है। सूर्य पुल्लिंग है, किरणें स्त्रीलिंग है, सागर पुल्लिंग है, लहरें स्त्रीलिंग है, सौंदर्य पुल्लिंग है, शोभा स्त्रीलिंग है। इसलिए सच्चिदानंद परब्रह्म को दो रूपों में लीला रूप में दर्शाया जाता है। वो क्रीड़ा करता है, प्रेम और आनंद की क्रीड़ा। चिद्घन स्वरूप है प्रेम का स्वरूप, आनंद स्वरूप है उसका निज आनंद हृदय का स्वरूप। इसलिए प्रेम और आनंद के स्वरूप को दर्शाने के लिए युगल स्वरूप की भावना की गई है। हम जप किसका करते हैं? युगल स्वरूप को जाप है। मंत्र तारतम सोए, हम कौन सा मंत्र मानते हैं? तारतम को। तारतम किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का संबंध उस सच्चिदानंद परब्रह्म से जोड़ दे, तारतम्य स्थापित कर दे। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। तारतम्य 6 पंक्तियाँ होती हैं। एक में कहा गया है परमात्मा कौन है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। इस 1 पंक्ति से सब पता चल जाता है कि परमात्मा निराकार के पार है। अब देखिए, वैष्णवों ने तो ऐसे उल्टे पुल्टे मंत्र बना लिए हैं। उस दिन मैंने कहा था श्री रामा शरणमम श्री कृष्ण शरणमम, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरी शरण में श्री राम है, मेरी शरण में श्री कृष्ण है। ये तो कोई मंत्र नहीं हुआ। किसी ने मंत्र बना लिया ओम नमः शिवाय, किसी ने कुछ मंत्र बना लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने इष्ट को केवल प्रणाम है, कुछ पता तो नहीं चलता कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। तारतम की 6 पंक्तियों में बताया गया है परमात्मा कहाँ है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। निराकार में सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। निराकार से परे है बेहद, बेहद से परे है अक्षर, और अक्षर से परे है वह अक्षरातीत। ये बोध कराया जा रहा है, आप कौन हैं? उस अक्षरातीत के धाम से आए हैं। कहाँ जाना है? अक्षरातीत के धाम जाना है। कहाँ है परमात्मा? इस नश्वर सृष्टि का जहाँ लय हो जाता है, जिस निराकार में, उस निराकार महामाया से भी परे है बेहद, उससे भी परे है अक्षर, और अक्षर से परे है अक्षरातीत। ये तारतम्य, हमारी आत्मा का तारतम्य उस परब्रह्म से हो जाए, जिससे हम निर्भ्रांत रूप से कह सकें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा किसको कहते हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका आनंद क्या है। जैसे कहा जाता है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद परमात्मा क्या करता है? प्रश्न ये होता है, चुपचाप बैठा रहता है, और यदि वह सृष्टि के कणकण में बैठा है तो सारी सृष्टि सच्चिदानंदमयी हो जानी चाहिए। अभी सूरज तो उगा हुआ है, देख रहे हैं ना, अभी शेड के नीचे पंखे चल रहे हैं, फिर भी आप गर्मी से परेशान हैं। परमात्मा के स्वरूप में तो 1 कण में परमधाम के अनंत सूर्य हैं, करोड़ों अरबों नहीं, अनंत सूर्य। अनंत सूर्य भी परमात्मा के तेज के समक्ष फीके पड़ते हैं। आप सोचिए, परमात्मा मंदिर में रखा हुआ शालिग्राम की बटिया नहीं है, न शिवलिंग का पिंड है जो भोले भाले हिंदुओं ने समझ रखा है। वो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। इसलिए तो वेद कहते हैं आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, अखंड स्वरूप वाला है और माया से सर्वथा परे है। तमसः परस्तात्, तमस के पार है। तभी तो ऋषियों ने प्रार्थना की, हे परमात्मा हमें तमसो मा ज्योतिर्गमय, माया के अंधकार से परे ले चलिए। जहाँ तक माया का अंधकार है, जहाँ तक मन की पहुँच है, इंद्रियों की पहुँच है, वहाँ तक परमात्मा नहीं है, उसके परे चलिए। यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वहितम् तस्मिन् माधे पावन अमृते लोके अक्षित इंद्र इंद्रो परिश्रवा। वेद क्या कहते हैं? हे परमात्मा मुझे वहाँ ले चल जहाँ अनंत आनंद है। यत्र ज्योति है जस्त्रम, जहाँ अनंत ज्योति है, जिसमें केवल आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं, वहाँ ले चल। और वहाँ क्या है? सूर्य का प्रकाश नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहाँ सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। वहाँ ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, ब्रह्म के आनंद से ही सब कुछ आनंदमय होता है। और यहाँ तो देखिए, ये जो सूरज दहक रहा है, इस सूरज में भी बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, और ये सूरज दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस सूरज को ब्लैक होल तारा निगल लेगा, सूर्य का पता ही नहीं रहेगा। और ब्लैक होल तारे को भी एक दिन गैलेक्सी निकल जाएगी और एक दिन गैलेक्सी भी समाप्त हो जाएगी, महागैलेक्सी उसको निकल लेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि सारी गैलेक्सियाँ समाप्त, कुछ नहीं बचेगा अंधकार के सिवा। उसको कहते हैं कारण प्रकृति, सारी प्रकृति काल के बंधन में है। ये सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, पर्वत जो दिखाई दे रहे हैं एक दिन सब मिट जाने वाले हैं और ये माया से बने हैं, माया में सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। एक ढाकता हुआ सूरज का पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ चला गया। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, कुछ नहीं बचने वाले हैं। इनसे परे है वो ब्रह्म जहाँ के कण-कण में उसका स्वरूप है। इसलिए तो उपनिषदों में ऋषियों ने कहा सर्वम खल इदम ब्रह्म, जहाँ के कण-कण में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, कण-कण सच्चिदानंदमय है। इसलिए हमें उस परम धाम की तरफ चलना होगा जहाँ परब्रह्म का स्वलीला अद्वैत स्वरूप विराजमान है। ब्रह्म विद्या देवी सही। हम देवी किसको मानते हैं? कलकत्ते वाले को नहीं, विंध्यवासिनी को नहीं, ब्रह्म विद्या देवी सही। ब्रह्म विद्याम प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानम उत्तमम। ब्रह्म विद्या क्या है? जिससे हम परमात्मा को जानें। विद्याम च अविद्याम च यः तद्वेद उभयं स अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृत प्राप्त होता है, अमृत यानी ब्रह्मानंद। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें मुक्ति कराए। और विद्याओं में भी वह ब्रह्म विद्या परा विद्या, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे उस अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है। हमें कौन सी देवी को मानना है? ब्रह्म विद्या को। और बेचारे भोले भाले हिंदू कितने स्वार्थी हो चुके हैं। उनको क्या चाहिए? धन के लिए लक्ष्मी चाहिए, विद्या के लिए सरस्वती चाहिए, शक्ति के लिए दुर्गा या काली चाहिए। एक बार कभी कभी हिंदुओं से बहुत नादानी भी हो जाती है। कहते हैं कि जो कुछ है हमारे पास है, जैसे रामचरितमानस में लिख दिया ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कि स्त्रियों को मंदिर में न घुसने दो, इनको दबा करके रखो। पूछा जाए कि भाई विद्या की मालकिन कौन है? सरस्वती। धन की मालकिन कौन है? लक्ष्मी जी। शक्ति की मालकिन कौन है? दुर्गा जी। फिर पुरुषों के पास रख क्या गया? देखा जाए शक्तिमान के अंदर जो शक्ति है वही तो कार्य कर रही है। शक्तिमान और शक्ति दो नहीं है, स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, बस तो इनमें भेद नहीं। भेद केवल तन का होता है, चेतना एक ही होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब जो प्रश्न यह है कि हम देवी किसको माने? आज आप कामाख्या चले जाइए, आपका मन दुखी हो जाएगा। इतने पशुओं की बलि दी जाती है। कलकत्ता चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, जहाँ जहाँ देवी के मंदिर हैं बेचारे पशुओं को निर्दयता से काटा जाता है। किस लिए? कि देवी खुश हो जाएगी। जिसको आप जगत माता कहते हैं वो पशुओं का रक्तपान क्यों करेगी? जैसे आप जगत माता के बच्चे हैं, जिनको काट रहे हैं वो भी तो उसी जगत माता के बच्चे हैं। क्या कोई माँ अपने ही बच्चे का रक्तपान करेगी? शंकराचार्य ने तो कहा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अज्ञानता में फंसे हुए हिंदुओं को कौन समझाए कि भाई तुम देवी के मंदिर में जाकर वहाँ बकरे काटते हो, भैंसों को काटते हो, ये किस ग्रंथ में लिखा है? एक दो नहीं, लाखों भैंसे नेपाल में काटे जाते हैं, न जाने कितने कबूतर, कितने बकरे। अभी ये नवरात्र का समय आता है, चैत के महीने में देवी के मंदिरों में खून की नाली बह जाती है। विंध्याचल जाइए, वहाँ खून की नाली बनी है। मैहर देवी जाइए, वहाँ खून की नाली बनी। आखिर क्यों? क्या जगत माता को मिठाई और पूड़ी पकवान अच्छे नहीं लगते? पशुओं का खून ही पीना अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं। श्री जी का कथन है हम किसको देवी मानते हैं? ब्रह्म विद्या को। वह ब्रह्म विद्या जो हमें परमात्मा की पहचान कराए। इसलिए हम किसको, कौन सी देवी है? ब्रह्मवाणी। आप देखेंगे जब वाणी को उठाया जाता है तो क्यों सबको खड़ा होना पड़ता है? उस ब्रह्मवाणी के सम्मान में, क्योंकि उसने हमें ज्ञान दिया है। पूरी नौतन मम जोए। और हमारी पूरी कौन सी है? नौतन पूरी, क्योंकि यहाँ से हमें परम धाम के ज्ञान का प्रकाश मिला। अठोत्तर सौ पक शाखा सही। और हम शाखा किसको मानते हैं? 108 पक्षों को। 108 पक्ष कौन है? माला में 108 मनके होते हैं। पूछा जाए 108 मनके क्यों होते हैं, उसका विस्तार से उत्तर समझिए। 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति होती है। 9 भक्ति का पालन 3 तरह से होता है, पुष्टि से, प्रवाही से, मर्यादी से। मर्यादी किसको कहते हैं? कि जैसे यहाँ चर्चा होती है, कुछ लोग चले सोचेंगे कि भाई 1-2 दिन भी चले जाएंगे तो ये तो कहा जाएगा कि हमने मर्यादा का पालन किया, हम भी चर्चा में आते थे, इसको कहते हैं मर्यादा। और एक प्रवाही कि चलो पड़ोस के जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं। पहले 4 दिन आना था, पड़ोस वाले ज़्यादा चल रहे हैं, तुम 4 दिन के बदले 8 दिन आए, इसको कहते हैं मर्यादी। पुष्टि मार्ग इसको कहते हैं दृढ़ता से, चाहे बुखार हो, चाहे कोई काम हो, धूप हो रही हो, वर्षा हो रही हो, हमें पहुँचना ही है। इस तरह से 9 भक्ति का पालन करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, पुष्टि से, प्रवाही से और मर्यादित तरीके से। तो एक-एक के 3-3 भेद हो जाने से 27 भेद हो गए। और 9 भक्ति त्रिगुणात्मक होती है, सत्व रज तम के भेद से प्रत्येक के 3-3 भेद हो गए, ये हो गया 81। 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का, जो निरंकार से परे बेहद की प्रेम लक्षण राधा कृष्ण की भक्ति की तरफ ले चलते हैं कि हमें प्रेम मार्ग के द्वारा सखी भाव से राधा कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। 83वां पक्ष होता है कबीर जी का, पुरुष प्रकृति उलंघ के गए जाए अखंड सुख माहे रहे। तो कबीर जी ने जो मार्ग बताया वही मार्ग शंकर जी का है, वही मार्ग विष्णु भगवान का है, वही मार्ग सनकादिक का है, वही मार्ग सुखदेव जी ने अपनाया। वेद में वही मार्ग बताया है जिसमें नारायण से प्रकृति निराकार से परे होकर बेहद मंडल में परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। 4 वेदों का चिंतन करेंगे, 6 दर्शनों का चिंतन करेंगे, तो जो मार्ग प्राप्त होगा वो वही कबीर जी ने जो बात कही है कि तंथिर मंथिर पवनथिर सुरत निरथिर हो कह कबीरता पलक की कल्प न पावे को। एक पलक के झपकने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी हमारा शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए, सुरत और निरत स्थिर हो जाए तो हमें ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। लेकिन ये नहीं हुआ तो एक कल्प तक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आप आंख बंद करके गुफा में बैठे रहें तो भी आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यानी जो 11 द्वार की बातें कही गई है राधा स्वामी मत में, 9 द्वार 10वां द्वार की बात चलती है, 11वें की भी बात चलती है, लेकिन राधा स्वामी मत में कोई उस भेद को जानने वाला नहीं है कि 11वां द्वार कौन सा है। 9 द्वारा संसार का, 10वां योगी तार, 11 खिड़की खुली अग्रमहर सुखसार, जिसको 11 द्वार कहते हैं उसको उपनिषदों में भी कहा गया है पूरम 11 द्वारम, उसी को परम गुहा कहा गया है। ब्रह्म का दर्शन कहाँ होता है? उसी 11 द्वार में, उसी परम गुहा में। जो कबीर जी ने कहा वही वेद ने कहा है, यानी पंचवासनाओं का यह मार्ग है और उसके द्वारा बेहद मंडल की प्राप्ति होती है। लेकिन परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है? अक्षरातीत का दर्शन कैसे होगा? बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। प्राणनाथ जी ने सबको बताया कि यह जो मार्ग है बेहद का मार्ग है। साला है गौलोक, साला किसको कहते हैं? हमारी गौलोक साला है, यानी अखंड ब्रजलीला हमारी है जो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो गई है, उसको हम साला मानते हैं। सदगुरु चरण को क्षेत्र है। 83 पक्ष की बात कही थी और परम धाम के 25 पक्ष। धाम तालाब कुंज बन सोहे, मानिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुखराज जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष श्री धाम धनी के। 83 और 25 जोड़ दीजिए तो ये 108 पक्ष हैं, यानी प्रकृति से लेकर पाताल जिसको कहते हैं, पृथ्वी लोक से लेकर परम धाम तक ये 108 पक्ष हैं, स्तर हैं। 83 बेहद तक जाएंगे और 25 पक्ष परम धाम के, इसलिए माला में 108 दाने रखे जाते हैं। ये हमारी 108 शाखा है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और हम क्षेत्र किसको मानते हैं? सतगुरु के चरण को। सतगुरु कौन है? सच्चिदानंद परब्रह्म। सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, वही हम क्षेत्र हैं। इसके पहले सभी पंथों ने अपना अपना क्षेत्र किसको बताया? कोई कहता है कि परशुराम क्षेत्र, कोई कुछ क्षेत्र, कोई मार्कंडेय क्षेत्र मानता है, कोई किसी क्षेत्र को, यानी पृथ्वी पर ही सब लोग अपना क्षेत्र मानते हैं। और हमारा क्षेत्र कहाँ? सतगुरु के चरण कमल। सतगुरु कौन है? परब्रह्म के आनंद स्वरूप। जहाँ जाए सब शोक, जहाँ जाए सब शोक। जब हम परब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। सुख विलास माए नित्य वृंदावन, और सुख विलास का स्थान कहाँ है? नित्य वृंदावन। युगलम क्रीडते तत्र नित्य धाम सुखास्पदे। और नित्य वृंदावन कहाँ है? घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, ते तारतमे कीधो निर्धार। माया से अलग और परम धाम से भी अलग। माया के संसार को पार करेंगे तो बेहद मंडल आएगा। उस केवल ब्रह्म के आनंद योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन की रचना की गई थी, जहाँ महारास खेली गई थी। आनंद योग माया किसको कहते हैं? केवल ब्रह्म प्रेम की भूमिका है, जहाँ रसो वैसा, केवल रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। उस केवल ब्रह्म की हिलादनी शक्ति आनंद योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन की रचना की गई थी, जिसके बारे में वाणी कहती है कि हेम जवेर के बन कहूँ तो भी ये झूठी वस्तु, एक एक पत्ते में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। ये नित्य वृंदावन, ये मथुरा के पास वाला वृंदावन नहीं है, ये तो माया के संसार में है। भागवत में लिखा है कि बांसुरी सुनकर गोपियाँ अपना तन छोड़ी, और आगे कहते हैं कि जुहो गुणमयम देहा, पंचभौतिक तन का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण जी कहाँ पहुँचे थे? योग मायाम उपासिता, उस आनंद योग माया के ब्रह्मांड में गए, जहाँ के कणकण में प्रेम है, चैतन्यता है, आनंद है, ब्रह्म स्वरूपता है। और हमारे लिए सुख विलास का स्थान कहाँ है? वो नित्य वृंदावन। ये वृंदावन नहीं। ऋषि महाविष्णु है जो है। ऋषि किसको कहते हैं? महाविष्णु को, प्रणव ओंकार को, आदि नारायण को, हिरण्यगर्भ को, यानी इनके द्वारा सारा ज्ञान संसार में फैलता है, इस कारण हम इनको ऋषि मानते हैं। वेद हमारो स्वसम है, और वेद किसको मानते हैं? स्वसम वेद को, आत्मवेद। आत्मवेद का तात्पर्य क्या है? जिसमें केवल आत्मा की विवेचना हो और परमात्मा की विवेचना हो। चारों वेदों में 3 बातें बताई गई हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1,995, सामवेद में 1,873 और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 20,114 मंत्र हैं। मोटे तौर पर 20,000 मंत्र मान लीजिए। लेकिन इसमें सारा ज्ञान है सृष्टि का। राजा को कैसे होना चाहिए? रसायन विद्या है, भौतिक विद्या है, वायुयान की विद्या है, सारी विद्या है। केवल सामवेद ऐसा है जिसमें भक्ति रस है। हाँ, ऋग्वेद में सब कुछ है, यजुर्वेद में भी सब कुछ है, अथर्ववेद में भी सब कुछ है, सामवेद में केवल भक्ति है, उपासना, आत्मा और परमात्मा की बात है। एक एक मंत्र की व्याख्या में ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले, लेकिन जिसको हम आत्मवेद कहते हैं। स्वसम वेद का अर्थ होता है आत्मवेद, जिसमें केवल आत्मा और परमात्मा की बात है। वो कौन है? ये तारतम वाणी, जो श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से निकली है। ग्रंथों का कथन है इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदा। वेदों का वेद, यानी वेद का ज्ञान किस में है? इतिहास पुराण में। इतिहास पुराण किसको कहते हैं? 18 पुराण नहीं, जो वेदों की व्याख्या जो में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको, उसमें इतिहास पुराण माना जाता है। लेकिन ये स्वप्न की बुद्धि से निर्मित है। तारतम वाणी जो श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरित हुई, ये मानवीय रचना नहीं है। उनको खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राज्य का आवेश उस तन से कहलवाता था। जब वाणी अवतरित हो जाती थी, सुंदर साथ लिख लेते थे, तो श्री जी मंगाते थे, देखो देखो आज क्या राज्य ने कहलवाया है। और जो आप गायन सुनते हैं मंच पर, उसी वाणी का अंश है। अब उसमें परमात्मा की पहचान दी गई है, परमात्मा की लीला क्या है। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। मेरी आत्मा तू कहाँ चल, अगम के पार। अगम किसको कहते हैं? निराकार के पार। निराकार के परे क्या है? निराकार हद के परे है, बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागी इन घर। हमें कहाँ चलना है? हद बेहद से परे परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होना है। वाणी ये पाठ बताती है जिसमें केवल आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्वसंवेद यानी आत्मवेद। तीर्थ जमुना सोए, और हमारा तीर्थ क्या है? यमुना जी। ये दिल्ली में बहने वाली यमुना जी नहीं जिसमें सारी दिल्ली का कचरा डाला जाता है। परम धाम की जो यमुना है, समझने के लिए यमुना है, वहाँ कोई नाम नहीं है। राज्य के हृदय का प्रेम और श्यामा जी के हृदय का आनंद का जो बहता हुआ रस है, उसको हम क्या कहते हैं? यमुना जी। उस राज्य के श्यामा जी के प्रेम और आनंद से जो नदी बह रही है, उसमें हम स्नान करते हैं लीला रूप में। वहाँ कणकण में प्रकाश है, सत्व रजतम नहीं है। वहाँ इस दुनिया का पानी नहीं है, प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश ने ही वहाँ नदी का रूप धारण कर लिया है और उसमें राज्य का प्रेम और आनंद निहित है। इसलिए हम उसमें स्नान करते हैं, इस दुनिया के तीर्थ में नहीं। यानी हमारी यमुना भी इस दुनिया की नहीं है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और भागवत के अंदर चूँकि ब्रज और रास की साक्षी है, इसलिए हम इसको प्रमाण के रूप में शास्त्र मानते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, अब यह बात सुनिए, बुद्ध जागृत को ज्ञान। हम जागृत बुद्धि के ज्ञान को मानते हैं। जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या है? ये तारतम वाणी। ये भागवत हमारा जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इसमें तो कहानियाँ हैं, पहले स्कंध से लेकर 9वें स्कंध तक केवल राजाओं की किस्सा कहानियाँ हैं कि ससबिंद की 1 अरब संतान थी, चित्रकेत की 1 करोड़ रानियाँ थीं, मनु ने नाक छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया, प्रियव्रत ने रथ घुमा दिया तो उसकी रथ की लकीरों से समुद्र बन गए। ऐसे किस्सा कहानियाँ गपोणों से यह भागवत पुराण भरा हुआ है। इस भागवत को बनाने वाले वेद व्यास नहीं है, वेद व्यास की उपाधिधारी बोपदेव पंडित ने बनाया है। और एक प्रक्रिया चल गई, वेद व्यास जी का नाम सभी पुराणों के साथ जोड़ दिया गया। कहने का असर क्या है? आज समाज में भ्रांति चल गई है कि भागवत सुनने से देवचंद जी को राज्य के दर्शन हुए। यदि भागवत सुनने से हो जाते हैं तो भागवत के लिखने वाले को पहले दर्शन हो जाना चाहिए, भागवत सुनाने वाले को पहले दर्शन होना चाहिए। भागवत के किस्से कहानियाँ सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम और आनंद की लीला में हम भ्रमण करेंगे, डूबेंगे, परब्रह्म का ध्यान करेंगे, तभी हमारी आत्मा की जागृत संभव है। कुल मूल हमारो आनंद है, और हमारा कुल मूल क्या है? आनंद। हम किसके अंग हैं? सच्चिदानंद परब्रह्म के आनंद स्वरूप हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सुंदर साथ में 300 वर्षों से परंपरा है अपने नाम के आगे दास लगाने की। तो ये दास लगाने की परंपरा वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। अपने नाम के आगे दास लगाना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये वैष्णव के सिद्धांत में आता है। शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, वाणी का सिद्धांत नहीं है। जरूर एक चौपाई आती है, ले रोशनी दासा दौड़े दासान उदास। दासों का दास कौन होगा? जो ज्ञान और प्रेम की गहनता में डूब गया हो, वो दासों का दास कहला सकता है। जब कुल मूल हमारो आनंद है, हम आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंग हैं, तो हम अपने नाम के आगे दास क्यों लगाएं? हमारे निजानंद समाज में दबाव दिया जाता है कि सबको अपने नाम के आगे दास लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल अन्याय है। जब हम किसी देवी देवता के अंग नहीं हैं, हम विष्णु के भक्त थोड़े हैं जो नाम के आगे दास लगाएं। कंठी पहनने के लिए विवश किया जाता है, यह पूर्णतया सिद्धांत वाणी के विपरीत है। कंठी पहनना बस या नाम के आगे दास लगाना, ये वैष्णव की देखा देखी प्रक्रिया चल गई। ठीक है, सेठ लक्ष्मण दास जी ने अपना नाम लालदास रख लिया, मुकुंद दास जी का नाम, कि उनके आगे नाम भी लालदास पढ़ गया, गरीबदास जी, सबके नाम के आगे दास लिख दिया गया। उस समय की परंपरा रही हो, लेकिन वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि सब अपने नाम के आगे दास लगाएं, न पद्धति में कहीं लिखा है कि हमें दास लगाना चाहिए। इसलिए इसको धर्म का अंग नहीं माना चाहिए, एक लोक रीति है, परंपरा चल गई वैसा करने की। हमें परंपरा नहीं यथार्थता को देखना होगा। फल नित्य विहार प्रमाण, और इस ज्ञान को ग्रहण करने का फल क्या होगा? नित्य विहार। यदि हम तारतम वाणी का अनुसरण करते हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करते हैं, तो हमें फल क्या मिलना है? हमारी आत्मा परम धाम में नित्य विहार करेगी। यहीं बैठे बैठे परम धाम में आप भ्रमण किया करेंगे, आप देखेंगे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा परम धाम कैसा है। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, आपकी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती रहेगी। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और हमारा धाम कहाँ है? बैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, निराकार नहीं। कौन सा धाम है? दिव्य ब्रह्मपुर। उपनिषदों में लिखा है, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में हमारा परमात्मा है। दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है, हम वहीं से आए हैं। शरीर छोड़ने के बाद हमें वहीं जाना है। प्रायः लोग मरते हैं तो क्या कहते हैं? स्वर्गवास उनका हो गया। स्वर्ग भी तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। कोई कहता है वैकुंठवास हो गया, वैकुंठ का भी लय हो जाएगा। स्वर्ग से, वैकुंठ से, निराकार से जो परे बेहद है, उस बेहद से भी परे जो परम धाम है, उसको दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं। और वही दिव्य ब्रह्मपुर हमारी आत्मा का मूल निवास है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है हमारा। धाम क्या है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम। घर अक्षरातीत निवास, और हमारा घर कहाँ है? जो अक्षरातीत का जो निवास है, वही हमारा भी निवास है। जहाँ हमारा प्रीतम है, मैं उनकी आत्मा हूँ, तो उनके पास ही हमारा निवास है। ये अटूट आस्था रखनी चाहिए कि हम अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म की हिलादनी हैं, आत्मा है। हमें इस दुनिया के कोई दास भक्त नहीं है, जिनके लिए कंठी की माला और त्रिपुंड लगाना और अपने नाम के आगे दास लिखना अनिवार्य होता है। इससे तो समाज का मनोबल ही गिर गया, हमारे अंदर हीन भावना घर कर गई। हम डरे डरे सहमे समय से नजर आते हैं। हमें आत्मविश्वास नहीं कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, हो सकता है। हमें यही शिक्षा दी जाती है कि केवल सेवा पूजा करते रहो, राज्य थोड़े मिलने वाले हैं। उसको अक्षरातीत ही नहीं कहा जा सकता जो दर्शन नहीं दे सकता है। परमात्मा तो वह है जो सबको प्राप्त होता है। वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, दर्शन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वेद ने डिंडिम घोष के साथ कहा है, वेना तत्पश्यत् परमं गुहां यदत्र विश्वम भवति अग्निडम। वेदांत दर्शन कहता है, गुहां पृष्ठो आत्मनो हि तत् दर्शनात्। वाणी कहती है, आप देखो औरों को दिखाओ, भीतक में छुपाई आती है। पिया की प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन। देवचंद जी ने 3 बार दर्शन किया। हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा ने दर्शन किया। जा को दिल जिन भासो तासो मिले तिन विध मन चाहिया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। इसलिए आत्मा के द्वारा प्रीतम का दर्शन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। निजानंद है संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय का नाम के निजानंद। निजानंद यानी हमारी आत्मा का जो आनंद का सुख है, उसको हम निजानंद कहते हैं। और हमारी संप्रदाय का नाम भी निजानंद है। ये कोई दुनिया का पंथ पैड़ा नहीं है, कोई संप्रदाय वैसे नहीं है, सारे विश्व के लिए समाहित ज्ञान है। अभी आप हिंदू पक्ष की सुन रहे थे, अब आप सुनेंगे कुरान पक्ष का कि किस तरह से औरंगजेब बादशाह को सीधी टक्कर दी जाती है। क्योंकि ज्ञान की तलवार से ही अज्ञानता के अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये हमारा उत्तर है। धनी श्री देवचंद जी निजानंद, और श्री देवचंद जी के अंदर परब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी ने लीला की है, इसलिए वो हमारे निजानंद हैं। तीन प्रकट करे संप्रदाय, उन्होंने इस संप्रदाय को चलाया है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय निजानंद संप्रदाय कहलाता है। तीन थे हम लखी है, उनसे ही हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है। हम द्वार पावे अब ते है, और उनसे ही हमने यह परम धाम का सारा ज्ञान प्राप्त किया है। जब श्री जी ने अपनी पद्धति बताई तो सूर्य के सुनकर सारे आचार्य अवाक रह गए और कहा कि निश्चित रूप से ये आप जो भी बातें कह रहे हैं ये तो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। अब आप कुछ अपने साक्षी और भी दे सकते हैं जो ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार उस समय शालिवाहन शका के 1600 वर्ष व्यतीत होने थे। भविष्य दीपिका ग्रंथ में लिखा है, शालिवाहन शका तो गत षोडशकम शतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्य। यानी शालिवाहन शका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो समस्त जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। तो ये 1600 वर्ष व्यतीत भी हो गया था। विक्रम संवत 1735 का भी समय पूरा हो गया था। एक और साक्षी थी कि उस समय धूमकेतु का तारा उदित होना चाहिए। तो रात्रि में सबने देखा धूमकेतु का, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं, जिसमें एक पूँछ सी लगी हुई दिखाई देती है, वो तारा भी उगा और 6 मास खय भाई 1 मास की, उसमें 11 महीने का वर्ष हुआ था। ये सबसे बड़ी साक्षी है। सभी आचार्यों ने माना कि आप ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। सब ने उनकी आरती उतारी और वहाँ से बुद्ध जी की शाखा भी चलाई, लेकिन तारतम किसी भी ने नहीं लिया, क्योंकि मनुष्य का अहंग सबसे बड़ी माया है। सभी आचार्यों ने सोचा हमारे इतने शिष्य आए हैं, यदि हम प्राणनाथ जी के चरणों में उनका ज्ञान ले लेंगे तो हमारे शिष्य क्या कहेंगे। यानी उन आचार्यों ने माया में डूबना अच्छा माना, लेकिन सामने आए हुए परमात्मा से भी पीठ मोड़ ली। यही संसार की कहानी है, क्योंकि संसार की आंखें क्या हैं, जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। अंतर्दृष्टि नहीं होती है, बाह्य शरीर को देखते देखते दुनिया चली जाती है और प्राणनाथ जी के स्वरूप को संसार पहचान नहीं पाया। अब वहाँ से श्री जी चलते हैं सब सुंदर साथ के साथ, क्योंकि यह तमाशा देखकर जहाँ हरिद्वार में सभी पंथों के आचार्य आए हुए थे, शास्त्रार्थ में सबको नतमस्तक करके सबको एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराकर श्री जी अब चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को सावचेत करना है, उसको सही मार्ग पर लाना है कि औरंगजेब बादशाह तुम अपनी तलवार के बल से हिंदुओं को जबरन तो मुसलमान बना रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन उस समय कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, उधर गुजरात से लेकर आसाम तक एक छत्र साम्राज्य था मुगल बादशाह का। शरीयत का जोर था, कोई हिंदू कुछ भी बोल दे तो उसको सीधे फांसी की सज़ा हो जाती थी, तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। और औरंगजेब का दृढ़ संकल्प था कि मैं सारे देश को इस्लाम के झंडे के नीचे लाऊं, वो भी तलवार के बल से। जगह जगह विरोध हो रहा था। ऐसे समय में औरंगजेब को संदेश देना था, और आप जानते हैं औरंगजेब के अत्याचारों से कश्मीर के ब्राह्मणों की, काशी के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर को ये शीशगंज, जहाँ आज गुरुद्वारा है दिल्ली में, उनके उस वहीं पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। मतीदास को आरे से चीरा गया था और भाई सती दास जी को खौलते हुए कड़ाह में डाला गया था। वे जपयू जी का पाठ करते हुए प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे औरंगजेब को, जो धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था, उस युग में जाकर के चुनौती देना है। अब कैसे दिया जाए? सुंदर साथ तो दिल्ली में प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री जी वहाँ से चलते हैं, लालदास जी साथ साथ हैं, और गरीबदास जी को श्री जी क्या कहते हैं, खानसामा। खानसामा यानी भोजन की व्यवस्था कराने वाला। सारा प्रबंधन कार्य गरीबदास जी के हाथ में था, इसलिए श्री जी ने उन्हें प्रेम से खानसामा कहा करते थे। अब श्री जी हरिद्वार में 4 महीने ठहरे होते हैं, सब दिल्ली में आते हैं, सब सुंदर सा प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ मिलकर के बातचीत की जाती है कि क्या करना चाहिए, औरंगजेब से हमें कैसे लड़ना है, क्योंकि आजकल की तरह तो संसाधन उस समय नहीं थे कि फ़ोन से भी दूर से कह दिया जाए औरंगजेब को। आज तो आप चाहें तो मैसेज लेकर के प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उस समय तो आमने सामने बात करनी होती थी और सभी हिंदू हैं। हिंदू वेशभूषा में को औरंगजेब बादशाह देखना भी पसंद नहीं करता था, न उसको हिंदवी भाषा पसंद थी, न हिंदू की वेशभूषा पसंद थी। ऐसे समय में यह सोचा गया कि जितनी महिला वर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और वृद्ध हैं, उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। और दिल्ली में वही लोग रहे जो युवा वर्ग हो, शरीर से शक्तिशाली हो, क्योंकि मुसलमान इतने क्रूर होते हैं कि यदि किसी को पकड़ लिया तो उस युग में औरंगजेब के ज़माने में खैरियत नहीं। अब श्री जी कुछ सुंदर साथ के जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वृद्ध हैं, सबने अपना घर द्वार छोड़ रखा है। श्री जी के चरणों में अपना जीवन गुजारना उनका लक्ष्य है। अब वो चल पड़ते हैं उनके साथ अनूप शहर। अनूप शहर में कुछ दिन ठहरते हैं। वहाँ का पाठक चौधरी है। वहाँ का चौधरी, वहाँ का जो प्रमुख है, एक पाठक है, वो इत्र की एक बोतल भेंट में करता है और इससे अधिक वो पहचान नहीं पाता है। श्री जी वहाँ कुछ दिन ठहर कर पुनः दिल्ली आ जाते हैं। अब सुंदर साथ में चर्चा की जाती है कि बताइए औरंगजेब को जागृत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। सबसे पहले जो वार्ता होती है, आपने आशा जीत वकील का नाम पहले चर्चा में सुना है। आशा जीत वकील को बुलाया जाता है। आशा जीत वकील ने देखा कि ये तो आपने 22 प्रस जो लिखा है, जिसमें क़यामत की पहचान दी गई है, इमाम मेहदी की पहचान दी गई है, ये बातें तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में लिखी है और औरंगजेब बादशाह हिंदी भाषा में लिखी हुई किसी भी बात को पढ़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि शरीयत का पहरा है, यानी उनकी शरीयत के अनुसार हिंदू की ज़बान नापाक होती है, उसको अल्लाह के विषय में चर्चा करने का अधिकार नहीं है। अभी कुछ साल पहले एक विवाद छिड़ा था जिसमें इंडोनेशिया के या कई देशों के मुसलमानों ने ये विवाद खड़ा किया था कि किसी भी व्यक्ति को अल्लाह का अनुवाद करने का अधिकार नहीं है, किसी गैर मुस्लिम को अल्लाह कहने का या लिखने का अधिकार नहीं है। बताइए ये भी कोई बात होती है? यानी अल्लाह पवित्र है, केवल मुसलमान ही बोल सकते हैं। ये तो इनकी शरीयत है। कितनी नादानी! परमात्मा का नाम भी किसी वर्ग में बांट दिया जाए, इससे बड़ी नादानी और कुछ नहीं हो। एक बार तफसीर हुसैनी की व्याख्या करने के लिए मैंने अपने एक परिचित व्यक्ति से भिजवाया था। मुजफ्फरनगर के एक मौलवी जी ने उसको देख लिया तो बोलने लगे, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे हाथ में ये तफसीर हुसैनी कैसे आ गई? ये तो नापाक हो गई। यानी हिंदू ने तफसीर हुसैनी को छू दिया तो नापाक हो गई। तो पूछा जाए, यदि जिस मशीन में छापी गई होगी उसको बनाया किसी हिंदू ने होगा तो क्या करेंगे आप? अब श्री जी सब सुंदर साथ के साथ जब विचार विमर्श करते हैं तो आशाजीत घबरा गया। कहा कि यह तो उचित नहीं होगा। और जब उसकी नकारात्मक बात को देखा तो श्री जी ने सोचा कि अब इससे काम बनने वाला नहीं है। एक घटना होती है, इसके पहले एक घटना घटित होती है। श्री जी लालदास जी को, गोवर्धन जी को भेजते हैं सबसे पहले, जा कर के देखो कि क्या कुरान में कोई हमारी साक्षी है। गोवर्धन भाई और लालदास जी दोनों जाते हैं। वहाँ एक मुल्ला के पास, और कहते हैं कि आप कुरान पढ़ कर के सुनाओ, देखिए उसमें कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि उसमें कुरान अरबी और फारसी में हुआ करते थे, हिंदी में नहीं। आजकल की तरह उस युग में अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद नहीं होते थे। मुल्ला ने जब पढ़ना शुरू किया, सारा कुछ पढ़ा। उसमें इन्ना आतेना सूरत है जिसमें हौज कौसर का वर्णन है। हौज कौसर को छांदोग्योपनिषद में मध्यम सरह का है, आनंदमयी सरोवर। जब ये बात पढ़ी और इन्ना इंजिलना हूँ फिर लैलतुल कदरे माँ बदर का पढ़ा कि वो महिमामान रात्रि 1000 महीनों से बेहतर है जिसमें अपने परवरदिगार के हुक्म से रूहें और फरिश्ते इस फानी दुनिया में उतरते हैं। इस आयत को अधिकतर मुसलमान बहुत आदर के साथ कहते हैं कि इन्ना इंजिलना हूँ फिर लैलतुल कद्र मा बदर का, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते कि वो 1000 महीने से बेहतर कौन सी रात है। दुनिया की कोई भी रात 20 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन कुरान में कहा गया कि 1000 महीने से वो बेहतर रात्रि कौन है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से आते हैं। ये 1638 से 1722 तक ये 83 वर्ष जो होते हैं ये 1000 महीने से बेहतर कही गई है, जिसमें परमधाम की आत्माओं के साथ लीला होती है। अब जब ये सारा प्रसंग सुना ब्रजराज का, तो वहाँ से आते समय गोवर्धन भाई कहने लगे कि लालदास ये सारी बातें श्री जी से मत कह देना, नहीं तो मालूम है कि संदेश देने के लिए हमें और तुम्हें ही आना पड़ेगा, और गर्दन किसकी कटेगी, हमारी और तुम्हारी। जो डरपोक होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। आप सोचिए कि सीरिया में आईएसआईएस वालों ने कितना आतंक मचा रखा है। बेरहमी से किसी जानवर को भी उतना नहीं काटा जाता जितना बेरहमी से वो इंसान को कत्ल करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सारे मुसलमान नवयुवक व्याकुल हैं, छिप छिप करके भाग रहे हैं क्या बनने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए। हम आतंकवादी बने, इस्लाम को फैलाएं, मरे चाहे कुछ भी हो, हम तो जन्नत में जाएंगे, ये पाठ उनको पढ़ा दिया जाता है। हिंदू को जब कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें चींटी भी मारने की आवश्यकता नहीं है, तुम कुछ त्याग करो, तुम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, विद्वान बनो, तो हिंदू कहता है कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम तो केवल कमाएंगे खाएंगे, हम केवल अपने घर के बारे में जानते हैं। आज का हिंदू सबसे अधिक स्वार्थी है, कहेगा कि हम गौ माता की पूजा करते हैं और उसको 500 रुपये दे दीजिए तो पुलिस की नज़र बचाकर कसाई के हाथ में गाय को पकड़ा देगा, और फिर कहेगा कि हम तो यादव हैं, हम तो यदुवंशी हैं, हम गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं। उसका ईमान पैसों पर बिकता है। आप भी देखिए, उस समय भी बहुत कुछ स्थिति यही थी, क्योंकि धर्म पर कुर्बान कौन होगा, जो धर्म के स्वरूप को जानता होगा। गोवर्धन भाई के अंदर डर बैठ गया है कि यदि हमने बता दिया कि कुरान में साक्षी है तो औरंगजेब के पास हमें ही जाना पड़ेगा, और बदले में औरंगजेब हमारी गर्दन कटवा देगा, इसलिए प्राणनाथ जी से कह देना है कि कोई साक्षी ही नहीं है। अब कह तो दिया, जो मुख से बात निकल गई वापस तो आएगी नहीं। फिर गोवर्धन भाई के मन में आया कि यदि लालदास जी ने ऐसे ही कह दिया तब तो मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी, श्री जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए दौड़ते हुए पहले भाग कर तेज कदमों से आए और श्री जी से कहते हैं कि धामधनी, कुरान में तो हमारी सारी साक्षी है, उसमें ब्रजराज की बात है, परम धाम की बात है, हौज कौसर की बात है, 1000 महीने से बेहतर सारी रात्र की बात है। अभी ये कह रहे थे, इतने में लालदास जी आ गए और सुन करके सिर पकड़ लिए कि ये गोवर्धन मेरे सामने कहता था कि श्री जी को मत बताना, नहीं तो हमें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, औरंगजेब के पास संदेशा लेकर हमें जाना पड़ेगा, और यही आकर के पहले कहने लगा कि कुरान में हमारी सारी साक्षी है। श्री जी से कहते हैं लालदास जी कि धामधनी, हमारा ईमान आपके सामने चटाई पर और रहता है और पीठ पीछे और रहता है, हम आपके सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कोई और भाषा बोलते हैं, इसलिए हमारे भरोसे आप औरंगजेब को संदेश देने का कार्य मत कीजिए। प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत का स्वरूप लीला कर रहा है, उनको कोई आवश्यकता नहीं कुरान की शिक्षा की, लेकिन कोई भी स्वरूप अपने मुख से अपने बारे में कैसे बता सकता है। एक ही लक्ष्य था कि जब सुंदर साध किसी दूसरे के कथन से सुनेगा, एक मौली बताए कि कुरान में यह साक्षी है, तो सबको विश्वास हो जाएगा, अन्यथा नहीं। अब श्री जी चिंतित, श्री जी उन दोनों की हालत को देखकर सोचते हैं कि इनके अंदर परमधाम की ब्रह्मात्मा है और मेरे सामने कुछ बोल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ। अब उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, अब जागने का कोई कार्य नहीं करना है। इन समय जब्राइले इस समय स्थिति क्या होती है, नूर जोश चढ़ो। नूर जोश चढ़ने का मतलब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पांचों शक्तियों का स्वरूप विराजमान है। जबराइल है, अस्राफील है, राज जी के आवेश की शक्ति है, आनंद अंग श्यामा जी की शक्ति की आत्मा है, अक्षर की आत्मा है। उनके चेहरे पर ऐसा लगने लगा है जिससे बिजली चमक रही हो। और उन्होंने कहा कि लालदास जी आप सारे ग्रंथ आप अपने पास रखिए। मुकुंद दास जी को और भीम भाई को कहा कि तुम दोनों उदयपुर चले जाओ। गोवर्धन को कहा कि गोवर्धन जी आप सूरत चले जाओ, वहाँ जाकर के जागनी करनी है। और मुझे कल सवेरे सवेरे अनूप सर चले जाना है। औरंगजेब बादशाह को कोई भी अब संदेश नहीं देना है, क्योंकि जब मेरे सामने आप लोग धोखा कर रहे हो तो औरंगजेब जैसे बादशाह के सामने इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। परिणाम क्या हुआ, उस समय श्री जी के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि बिजली चमक रही है। अंदर से राज्य का आवेश प्रकट होने लगा। उस चेहरे की दिव्यता को देखकर सब सुंदर साथ साम गए थे। किसी में बोलने का साहस नहीं था। परिणाम यह हुआ कि भीम भाई को कहा कि भीम भाई तुम्हें जागृत बुद्धि की मैं शक्ति देता हूँ, शेख बदल तुम्हें हुक्म की शोभा देता हूँ। हुक्म की शोभा देने का मतलब जो तुम चाहोगे धर्म के कार्य के संबंध में वो अवश्य पूरा होगा। मुकुंद दास जी को कहा कि तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम तारतम वाणी के रहस्यों को उजागर कर दोगे। लालदास जी को कहा कि लालदास जी आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखेंगे। अब मुझे चल देना है अनुपसार के लिए। श्री जी वहाँ आषाढ़ का महीना था, ऊँट गाड़ी पर बैठकर सवेरे दिल्ली से चल देते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही होती है और उस मौसम में आप जानते हैं स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया। श्री जी को अतिसार यानी दस्त होने लगते हैं। लालदास जी की पत्नी रोने लगती है कि धामधनी क्या हो गया आपको, कहीं अंतर्ध्यान का समय तो नहीं हो गया। श्री जी कहते हैं कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया है, यदि होता तो मैं पहले ही बता देता। अब यहाँ से वाणी का अवतरण शुरू होता है। कलश हिंदुस्तानी में 12 प्रकरण हैं जो हिंदू समाज के लिए। सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है। सनंद ग्रंथ में 42 प्रकरण हैं। 42 प्रकरण में 12 प्रकरण हिंदुओं को समझाने के लिए हैं और शेष 30 प्रकरण कुरान के 30 पारों का हिंदुस्तानी भाषा में भाव दर्शाया गया है कि वास्तव में कुरान में कहा क्या गया है और ये मुसलमान करते क्या हैं। जब ये सनंद की वाणी उतरी तो उसमें कुरान की सारी वास्तविकता आ गई, क्योंकि कोई भी मुस्लिम उस समय तो कुरान का अर्थ करने को तैयार जल्दी नहीं होता था और एक हिंदू के लिए तो करवाना बहुत ही कठिन था। ऐसी स्थिति में जब सनंद की वाणी अवतरित हुई तो सब में उल्लास छा गया। शेख बदल और लालदास जी श्री जी के चरण कहाँ छोड़ने वाले थे, वे सभी अनूप शहर में थे। शेख बदल को श्री जी ने आदेश दिया कि शेख बदल ये सनंद ग्रंथ ले जाओ और जामा मस्जिद में पढ़ करके सुनाओ। श्री जी का आदेश मानकर शेख बदल उसको जामा मस्जिद में ले जाते हैं। लेकिन सब सुनते हैं, कहते हैं कि ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में कही गई है इसलिए हमको स्वीकार नहीं। अरबी फारसी में आप कहो तो स्वीकार है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में हमें स्वीकार नहीं है। ये सबसे बड़ी नादानी है। सत्य को उससे लेना देना नहीं है। उनको केवल ये मतलब है कि केवल पाक जबान किसकी है, अरब की। अरबी जबान पवित्र है, उर्दू पवित्र है, फारसी पवित्र है और हिंदुओं की ज़बान क्या है, नापाक होती है। ये काफिरों की ज़बान है, इसलिए इसको हमें सुनना नहीं है। ये मानसिकता कट्टरवादी है। शेख बदल कहते हैं कि धामधनी सुनते सब लोग हैं, अच्छा भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि सरा इसकी इजाज़त नहीं देती। जब शेख बदल दिल्ली में किसी के पास ठहरे होते हैं जहाँ, तो एक सैयद उनसे झगड़ पड़ता है क्योंकि सनंद में एक प्रकरण है और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। तो वो झगड़ पड़ता है कि क्या मोहम्मद के अलावा और कोई पैगंबर नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई बोध नहीं था। अब शेख बदल आकर के श्री जी से सारा वृतांत सुनाते हैं कि धामधनी, मैंने बहुतेरा प्रयास किया लेकिन दिल्ली में इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आशा जीत को बुलाया जाता है, जो पहले प्रसंग मैंने बताया था। आशा जीत वकील जब वो सनंद सुनता है, सनंद नबी और नारायण की, तो इसका भी ईमान डगमगा जाता है। उसमें सनंद की एक चौपाई है, सनंद नबी और नारायण की में, कि रसूल कहे नूर जमाल की, नहीं नारायण गम अक्षर। देखा जाए तो वेद में नारायण को अक्षर का स्वप्निक मन कहा गया है, और वेद की भाषा में नारायण एक ऋषि है। नारायण की नींद जब तक है तब तक ये सृष्टि है, नींद के समाप्त होते ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जैसे जब आप सपना तभी तक देखते हैं जब तक आप निद्रा में हैं, आपको उठा दिया जाएगा तो स्वप्न समाप्त होते हो जाएगा। उसी तरह से जब तक नारायण को बोध नहीं है कि मेरा असल स्वरूप क्या है, तभी तक तो ये सृष्टि चल रही है। और नींद के पार जो अखंड तहाँ तित पहुँचे क्यों झूठ सुपन। नींद के परे, निराकार के परे जो बेहद मंडल है, जहाँ अक्षर का धाम है, बेहद और अक्षर अक्षरातीत का धाम है, वहाँ सपने की बुद्धि, सपने का संसार नहीं पहुँच सकता। इसलिए नारायण अक्षर को नहीं जान सकते, क्योंकि अक्षर को तो जानते ही उनकी निद्रा टूट जाएगी और सृष्टि का लय हो जाएगा। अक्षर की आत्मा ब्रजरास में श्री कृष्ण के रूप में लीला कर चुकी होती है और वही अरब में अवतरित होती है। उनको दर्शन होता है अल्लाह ताला का और उन्होंने राज्य का वर्णन कर दिया। तो जिन हिंदुओं ने अपने वेद शास्त्र को नहीं पढ़ा, वो तो अक्षर अक्षरातीत के बारे में जानते नहीं, उनके लिए नारायण ही सर्वोपरि है। उनको नारायण से परे अक्षर और अक्षरातीत का बोध नहीं होता है, इसलिए समझ लिया कि नारायण तो हमारे परमात्मा हैं। और इसी बात पर आशा जीत का ईमान टूट गया कि जब इसमें नारायण को छोटा कहा गया है तो मैं ये काम कैसे करूं, ये तो हिंदुओं का अपमान हो रहा है। और उसकी नकारात्मक वृत्ति को देखकर सब सुंदर साथ ने यह तय किया कि अब शेख सुलेमान एक औरंगजेब का दरबारी है, उससे प्रयास किया जाता है कि उससे बात किए जाए, कदाचित वह औरंगजेब से भेंट करवा दे। पहले वो कहता है कि देखो आप लोग धोती कुर्ता पहनते हो, धोती कुर्ता वालों से तो औरंगजेब बात नहीं करेगा। फिर कहता है कि ये हिंदुस्तानी भाषा में है, इसको औरंगजेब नहीं पढ़ेगा। फिर उसको लालच दिया जाता है कि देखो यदि तुम औरंगजेब से बात करवा दोगे तो तुमको हम सोना बनाने की कला सिखा देंगे। उसके मन में संशय रहता है कि ये इतने लोग रहते हैं, इनका खाना पीना कहाँ से आता है, जरूर ये महात्मा लोग लोहा से सोना बनाना जानते होंगे, मैं भी सीख लूँगा तो धनवान हो जाऊँगा। उसको लालच भी दिया गया कि भाई यदि तुम औरंगजेब से बात करवा दोगे तो आज जो खून खराबा हो रहा है हिंदू मुसलमान में लड़ाई का, ये बंद हो जाएगा, संसार का बहुत उपकार होगा। वो सोचता है कि ये लोग कितने बेधड़क हैं, इनको जरा भी मरने का डर नहीं। अंत में लालदास जी वगैरह सब सुंदर साथ ने लिख कर दे दिया कि देखो यदि तुम औरंगजेब से हमारी भेंट करवा देते हो तो हम लिख करके देते हैं कि जो तुम कहोगे वह हो जाएगा, तुमको कीमियागार जो लोहे से सोने बनाने की विद्या है वो भी सिखा दी जाएगी। कोई लोहे से सोने तो बनाया नहीं जाता था, कोई सुंदर साथ नहीं बनाता था, वो तो उसको बात कह दी गई कि ऐसा करो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और हमारे फकीर, हमारे श्री जी का आशीर्वाद होगा कि तुमको रसूल मोहम्मद साहब का भी दर्शन हो जाए। सोचा कि ये लोग इतने बेधड़क होकर कह रहे हैं, कहीं इनके चक्कर में औरंगजेब बादशाह आ गया और वो भी इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी शरीयत का राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको बादशाह से मिलाने नहीं देना है, नहीं तो इनका प्रभाव अधिक दिखता है। बादशाह इमाम मेहदी की खोज में है और कभी भी इनके चंगुल में आ गया तो हमारा जो राज्य है ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी न किसी तरह से आज मिलाता हूँ कल मिलाता हूँ कह करके टालता रहा। सुंदर साथ ने सोचा कि ये तो मिलाने वाला ही नहीं है। अब पुनः उसके पश्चात आगे क्या होता है ये चर्चा सुनेंगे आप कल, किस तरह से औरंगजेब बादशाह को पैगाम दिया जाता है और औरंगजेब के दरबार में 12 सुंदर साथ अपने प्राणों को हथेली पर रखकर ये संदेश देते हैं कि औरंगजेब बादशाह, जो तुम इस्लाम के नाम पर करना चाह रहे हो, सबको तलवार के बल से इस्लाम स्वीकार कराना चाहते हो, ये कुरान के किस आयत में लिखा है? कुरान के क़यामत के 7 निशान कौन कौन से हैं? इमाम मेहदी की पहचान क्या है? ये सारी बातों की चर्चा सुनेंगे आप कल। किस तरह से औरंगजेब भी डर जाता है। आज तक औरंगजेब के दरबार में जाकर औरंगजेब को कठोर शब्दों में कहने का साहस किसी ने नहीं हुआ था, और ये 12 सुंदर साथ श्री जी के आदेश पर जाते हैं, भरी सभा के बीच में औरंगजेब को फटकार लगाते हैं। औरंगजेब भी दहल जाता है और उनसे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाता है। ये सारी घटना काफ़ी रोमांचक है। उस युग में जिसमें औरंगजेब के सामने आंखें ऊंची करने वाला कभी जिंदा नहीं लौट आया, उस युग में 12 सुंदर साथ ने औरंगजेब के दिल्ली दरबार में जाकर चुनौती दी। ये किसके बल पर हुआ? राज्य की कृपा के बल पर हुआ। और आज तो आप देखते ही हैं, हर नेता हिंदू धर्म की तो निंदा कर देगा, जिसको देखो हर कोई हिंदू धर्म की निंदा करते आएगा, लेकिन इस्लाम के बारे में कोई समीक्षा करने का साहस नहीं करता। आज से 300 वर्ष पहले औरंगजेब के मुंह पर जाकर के कहना कि औरंगजेब बादशाह, जो तुम कर रहे हो ये धर्म के अनुकूल नहीं है, कुरान के अनुकूल नहीं है, सीधे मौत को निमंत्रण देना था, फिर भी श्री जी की कृपा से सुंदर साथ ने ऐसा कर दिखाया। ये रोचक प्रसंग है, इसकी चर्चा सुनेंगे आप कल। श्री मामति कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बिताक लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।